लोग यहाँ पे बीफ नहीं खाते है क्या? नहीं। तो फिर आप लोग कैसे? अब तो वो भैंस कटता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि मुस्लिम लोग तो गाय मतलब बीफ हाँ, तो खाते है ना? ये लोग बीफ खाते है हाँ, लेकिन बकरा खाते है, चिकन खाते है, मछली खाते है। हाँ आप लोग को इसमें तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है इसमें आपको? नहीं कोई तकलीफ, हम लोगों का तकलीफ है। नहीं ठीक है ना, गाय रहेगा तभी तो और भी आएगा। कोई तकलीफ ही नहीं है, हम लोगों का तकलीफ है। ऐसा तो है नहीं का बकरा वगैरह का मीट नहीं मिलता, बकरा मिलता था। हाँ। और भैंस अभी है ना? हाँ नहीं बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। अभी देखो सबको, मैं तो गुजरात में ही घूमता हूँ, मेरा ज्यादा से ज्यादा जॉब गुजरात में ही घूमता हूँ। महीना में तो 15 दिन गुजरात में ही रहता हूँ मैं। और यहाँ पे ऑडिट करता हूँ। हाँ ऑडिट करता हूँ। और यहाँ पे ना सबका कमाई है। हाँ। सबका अच्छा अर्निंग है। हाँ। बहुत अच्छा लगा ये सब। लोग भी अच्छे हैं। हाँ? लोग भी अच्छा है। हाँ। बहुत देखो कितना हाँ। सारे बिल्डिंग। हाँ। अच्छा माय गॉड। हाँ। रास्ता के साइड पे इतना अच्छा अच्छा बिल्डिंग। गॉड सो नाइस। ये पूरा डेवलप करा दे, कितना बड़ा रोल कर रहा है मोदी। अब यार तुम चलो उसको भी फेंक दो तो क्या मतलब का है, इतना डेवलप कर रहा है। अरे मैंने जहाँ भी तकलीफ पड़ी वहाँ ब्रिज बना दिया। हाँ। ये कुछ भी है मोदी ने बहुत किया। हाँ इसीलिए तो इनको एकदम पूरा सब्सिडी मिल रहा है। 25 सीट मिल गया ना 26 से। अयोध्या में हार गया, मेरे को ताजुब लग रहा है। बोलो अयोध्या के अंदर हार गया। बोलो वो मालूम नहीं है कैसे राम मंदिर बनाया वहाँ पर हार गया। सही नहीं है ये। देखिए कितना अच्छा सुंदर बिल्डिंग। हाँ। ओ, एकदम पिक्चर फोटो लग रहा है। सॉल्ट ये सॉल्ट है। अच्छा अच्छा ये वो बिक रहा है ना लारी में, सॉल्ट है नमक। हाँ अच्छा अच्छा वो लारी में राजस्थान का नमक है। ओ सत्यानाश कर देगा देश को। हाँ तो राहुल गांधी बता ही देगा वो। हाँ। हाँ। उसको मालूम ही नहीं अचानक कैसे कुछ सीट मिल गया तो खुश हो गया। देश नहीं चला सकता वो, देश नहीं चला सकता वो, खुद ही खुद को चला नहीं सकता। शादी भी नहीं कर किया। और वैसे ऐसा करता है। अभी ये गांधी आश्रम डेवलप किया। हाँ। मोदी को क्या जरूरत था? हाँ मोदी को क्या जरूरत था, ये तो कांग्रेस का था। हाँ। बोलेगा। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा किया। नहीं मोदी का तो एकदम देश का विकास। हाँ। उनका तो देश का विकास। ये देखिए ना आपका गुजरात को क्या बना दिया, क्या बना दिया, बिल्कुल क्या बना दिया। ये तो मेरे को ड्रीमलैंड लग रहा है। हाँ। ये जो अहमदाबाद ये रास्ता में घूम रहा हूँ ड्रीमलैंड लग रहा है। हाँ, एकदम बढ़िया बना दिया। इतना रास्ता, अभी पेड़ भी इतना अच्छा से लगाया। बहुत बड़ा रास्ता के दो साइड में चोर चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार। हाँ अभी दोनों पलटी मार देंगे फिर से। अभी ये दोनों पलटी मार देगा। ये थोड़ा ये दुख लग रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू फिर भी ठीक है, लेकिन ये नीतीश कुमार तो वो तो पूरा क्या मालूम है। देखते हैं क्या है। राइट साइड साबरमती रिवर अहमदाबाद, दिस इज रिवर फ्रंट बोलते हैं ना इनको, रिवर फ्रंट एरिया साबरमती। अच्छा रिवर है। ये है आप बोलते रहिए, ये है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर। हाँ। और ये है गांधी आश्रम। गांधी आश्रम में अपना। अच्छा पर खड़े हुए गांधी आश्रम में ही। और ये गांधी आश्रम आप बोल रहे थे कि इधर कोई भेदभाव भी नहीं है? भेदभाव नहीं है और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसानियत का महत्व है। आओ, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। वो जाति का कोई याद है वो उसमें वो नहीं है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शब्बीर पटेल।
सब्बीर पटेल। अच्छा अच्छा, तो आप अच्छा बोल रहे हैं आप क्योंकि आप मुस्लिम होके भी बोल रहे हैं ना ये वाला अच्छा है। पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है अंदर। मोदी कैसा है? मोदी बढ़िया आदमी है, एक नंबर आदमी है। वाह, बहुत अच्छा है। मोदी जाएगा देश खत्म हो जाएगा। अरे अरे, आप जलाएगा नहीं देश को। मेरे को तो ये पता था कि मुस्लिम लोग बोलता है नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा है, बढ़िया है। इतना बिजनेस आया गुजरात के अंदर, लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये साबरमती रिवर, इतना ये जगह डेवलप किया। माय गॉड, मोदी साहब ने किया। हाँ, ये आश्रम भी पूरा उन्होंने बनाया, बिल्कुल खत्म हो गया था। हाँ, और देखने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है इसका। वाओ, वाओ, बहुत अच्छा है ये मोदी, रियली ही हैज डन सो नाइस। बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच सबीर भाई। लोगों को लगता है कि ये मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, भाई सबका नुकसान किया है। मोदी अच्छा ही किया है, कितना बढ़िया लगता है उसका फोटो फोटो मारा। ये एलईडी लाइट के लिए रास्ता के दोनों साइड पे। अच्छा है, तो रास्ता में एसी बनाते जाएगा तो अच्छा है ना, अपने लिए अच्छा है, अपने आने वाली पीढ़ी।